हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही आसान काले चने की सब्जी का रेसिपी बताऊंगी जो बहुत हेल्दी है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है इसे बनाना बहुत आसान है एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा रेसिपी आपको कैसी लगी तो ये चने की सब्जी जो है वो थोड़ा अलग तरीके से मैं बनाना बताऊंगी ये मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा नहीं तो मेरे जैसा ये सब्जी नहीं बना पाइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना ये लगभग एक डब्बा मैं चने के दाल को भिंगो कर रख दी थी ये चना दाल फूल गया है अब इसे एक मिक्सी के जार में डालूंगी और इसे बारीक पीसना है तो सारे चने को मिक्सी जार में डाल देना है और इसमें थोड़े से धनिया पत्ता और चार हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक डालकर और इसमें एक कप पानी और थोड़े से लहसन डाल लहसुन के कलिया डालकर इसे पीस लेना है एकदम फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका इस तरह से अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ये रेसिपी जो है वो बहुत हेल्दी होती है क्योंकि इसमें तेल बहुत कम लगता है तो इसमें मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसमें डाल देंगे अब इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और इसे अच्छी तरह से फेटेंगे और कुछ भी नहीं डालना है और इसे अच्छी तरह से फेटना है जो आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा तो ये जो चना का ग्रेवी है वो पूरा हल्का हो जाएगा अब इसे अलग साइड में रखिए और दो प्याज को काट कर इसे भी पीस लेंगे इसका बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है बस दर दरा जैसा पीस लेना है इस तरह से अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे मिक्सी के जार से और यदि आपके पास टमाटर है तो दो टमाटर को भी इसी तरह पीस लेंगे मैं आज टमाटर नहीं डाल रही हूँ बिना टमाटर का ही सब्जी आज मैं बनाऊंगी अब एक कढ़ाही में सरसों तेल डालेंगे और इसमें जी आधा चम्मच जीरा और इसमें तेजपत्ता एक तेजपत्ता को दो टुकड़ा करके इसमें डाल देंगे अब पिसा हुआ प्याज को तेल में डालकर इसे अच्छी तरह से चलाएंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे अब ये कुछ लहसुन का कली है और एक टुकड़ा अदरक है इसे कूट लेंगे इसे पीस कर नहीं डालना है कूट कर डालने से इसका फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए कूट कर ही डालेंगे अब प्याज को डालने के तीन मिनट के बाद अदरक लहसुन को जो कूट के रखें वो डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से चलाएंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे नहीं तो प्याज जल जाएगा अब एक बर्तन लेंगे जिस जिसको च, काले चने को स्टीम करना है अब उसमें सरसों तेल डालेंगे अगर यदि आपके पास थाली है तो थाली में ही तेल लगाकर और जो घोल रखे हैं काले चने का जो पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसे स्टीम कर लेंगे दस मिनट के लिए सारे चने को इसमें डाल देंगे और इसमें दो चम्मच निकाल कर अलग रख लेंगे क्योंकि वो ग्रेवी में काम आने वाला है अब एक कढ़ाई में गरम पानी करेंगे और उसमें रख कर ढक देंगे दस मिनट के लिए मसाले में से प्याज और अदरक लहसुन का खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है अब इसमें हल्दी डालेंगे एक चम्मच हल्दी एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कश्मीरी मिर्च डालने से कलर अच्छा आता है सब्जी में अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे नहीं तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे स्वादानुसार नमक डालेंगे ग्रेवी में ग्रेवी के अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि उस चने में भी मैंने नमक डाला था अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डालने से कस कसूरी मेथी डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है अब इसमें गरम मसाला डालेंगे यहाँ मैंने छोटे चम्मच से एक चम्मच गरम मसाला डाला है अब ये देखिए इसी में पानी डालकर ग्रेवी में डाल देंगे क्योंकि मसाला पक गया है पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि जो चना है वो भी पानी थोड़ा सा सूखेगा इसलिए पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे पानी डालेंगे फिर ग्रेवी को चला लेंगे फिर और पानी डालेंगे अब बस अब इसमें मैंने लगभग अढ़ाई गिलास पानी डाला है पानी डालते समय गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे और जब ग्रेवी में उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे ये देखिए चना भी स्टीम हो गया है अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे एक प्लेट में निकालकर काट लेंगे इसे चाकू की सहायता से चकोर चकोर या आप अपने अनुसार इसे काट लीजिएगा ये देखिए ठंडा हो गया है इसे चाकू से किनारे किनारे से निकाल कर और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए कितना सुंदर स्टीम हुआ है अब एक तवा लेंगे तवा में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे उलट पलट कर थोड़ा सा सेक लेंगे इससे खुशबू भी अच्छी आती है और थोड़ा करंची जैसा भी हो जाता है आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं इसे ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसी तरह दोनों साइड से सेक कर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और पलटते समय थोड़ा पूर्वक इसे पलटिएगा नहीं तो ये बीच से टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ़्ट है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे चाकू से काट लीजिएगा मैं मुझे थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि इसलिए मैं इसे ठंडा होने नहीं दी हूँ ये गर्म ही है अभी क्योंकि लंच का टाइम हो गया है तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है स्पंजी अंदर से है इसी तरह इसे काट कर आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है और ये जो आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मेरा घर जो है वो एयरपोर्ट के पास ही है और अभी पंद्रह अगस्त आने वाला है जिससे इन लोग का प्रैक्टिस चालू है तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आवाज पर ये देखिए जब ठंडा होने के बाद काटिएगा ना तो ये इस तरह से निकलेगा नहीं ये देखिए ग्रेवी भी तैयार है अब इसे ग्रेवी में सभी को डाल देंगे सभी चने को एक एक करके इसे डाल देंगे आप प्लीज़ ठंडा होने के बाद ही इसे काटिएगा मेरे तरह नहीं काटिएगा ये सब्जी हेल्दी बहुत होती है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे रोटी या चावल के साथ खाने में और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा अब सभी को डालने के बाद अब इसमें इसको थोड़ा सा चला लेंगे अगर पानी कम लगे तो पानी और ज़्यादा डाल देंगे इसमें और मैं टमाटर नहीं आज यूज कर रही हूँ इसमें मैं आमचूर का पाउडर डाल दी हूँ तो अगर टमाटर नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है कभी कभी आमचूर का पाउडर भी डालकर बना लेना चाहिए सभी चने को ग्रेवी में डालने के बाद इसे दो मिनट के लिए ज़रूर ढक देना है इस तरह से तुरंत खाना है इसलिए और मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ यदि थोड़ा सा दो तीन घंटा के बाद खाना होगा तो इसमें पानी और डालना पड़ेगा क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा अब इसी तरह प्लेट में निकालिए और गर्मा गर्म चावल और सब्जी को इंजॉय कीजिए और एक बार बनाइएगा तो आपको बार बार खाने का मन करेगा इसे बनाने में भी कोई मेहनत नहीं है और ये जल्दी भी बन जाता है ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है क्योंकि ये तुरंत हाथ से दब कर टूट गया तो गर्मा गर्म चावल के साथ इंजॉय कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ